गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश्वरी आप लोगों को मैथ्स की क्लास में स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, हम लोगों ने मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है अब तक। जो सेंटीमीटर, कौन कौन सी चीज़ों को सेंटीमीटर के द्वारा नापा जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को मीटर के द्वारा नापा जाता है, और वे कौन सी चीज़ें होते हैं जिनको कि किलोमीटर्स के द्वारा नापा जाता है, ये हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। तो चलिए बच्चों, इसके ऊपर आधारित कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं। अभी हम लोगों को देखना है कि कौन किसकी लंबाई कितना, लगभग कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ अर्थ ऑफ एन अर्थ होम। ठीक है, अर्थवर्म जो होता है, आप लोग देखे होंगे बारिश के दिनों में ये रास्ते पर चलता है, और ये एक बेबी का हाइट दिया हुआ है, दिस इज़ ए फिंगर नेल, एंड लेंथ ऑफ ए साड़ी, दिस इज़ ए साड़ी वर्न बाय योर मदर। ठीक है, एंड दिस इज़ द रोड फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। ओके, हियर इट इज़ द माइलस्टोन, माइलस्टोन सेज दैट इट इज़ एट 25, एंड द माइल स्टोन एट द स्कूल शोज दैट इट इज 27 हियर। सो नाउ सी स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म 2 किलोमीटर्स, 5 मीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। ओके, सो द अर्थवर्म का लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर्स के अराउंड होगा। तो वी हैव टू ज्वाइन इट इन 10। ओके, नाउ सी हाइट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे की ऊंचाई जो है वो ज़्यादा लगभग 1 मीटर होगा, तो लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। सो ओके, नाउ विड्थ ऑफ ए फिंगर नेल, ये आपका जो नेल होता है ये लगभग 1 सेंटीमीटर का ही होता है। सो यू हैव टू एड। लेंथ ऑफ ए साड़ी इज 5 मीटर्स, जो आपकी माँ की पहनी हुई साड़ी होती है वो 5 मीटर उसकी लंबाई होता है, 5 मीटर से ज़्यादा भी होता है कुछ कुछ साड़ी। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, घर से स्कूल की दूरी यहाँ पे 25 था और ये 27 पर है, तो यहाँ बीचों बीच कितना डिस्टेंस हो गया, इट इज़ 2 किलोमीटर। सो यू हैव टू मैच इट विथ 2 किलोमीटर। सो हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ चीज़ें जो कि मीटर के द्वारा नापा जाता है, और लंबाई जो रोड की लंबाई हो जाए, ब्रिज की लंबाई हो जाए, ये सबको हम लोग किलोमीटर से नापते हैं। ठीक है, ये आपको अपने कॉपी में करना है बच्चों। और उसके साथ साथ द लॉन्गेस्ट टेल कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, हियर इज़ एन एलिफेंट, हियर इज़ अ काउ, हियर इज़ अ पिग एंड हियर इज़ अ मंकी, हियर इज़ अ लीजर एंड हियर इज़ अ रैट। सो बच्चों, यहाँ पे जो जानवर दिए हुए हैं इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट टेल किसका होता है, लंबा पूंछ। वेरी गुड, मंकी का होगा, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जिसका कि टेल सबसे लंबा होता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। आप बताओ उससे थोड़ा कम, तो सेकंड कौन आएगा, काऊ, काऊ आएगा सेकंड पे, तो थर्ड आएगा एलिफेंट। ठीक है, सो ये जो कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोगों ने चूज कर दिया है। ठीक है, फिर ये स्नेक जो है, इट इज़ आस्किंग दैट डू ए हैव ए टेल, क्या उसका भी पूंछ होता है। बच्चों, आपको तो पता है स्नेक का शरीर भले ही पूंछ के जैसे ही लगता है, लेकिन उसका शरीर का ये वाला हिस्सा को पूंछ नहीं कहा जाएगा, जहाँ से ये पूरा पतला होते जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, लगभग यहाँ से यहाँ तक सांप का पूंछ माना जाता है। ठीक है, सो ये आपको, ये जो है ये आपको कॉपी में करके दिखाना है और इसको अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से एनिमल के पूंछ कितने लंबे होते हैं, और उसको हम कौन सी एकक के द्वारा नापेंगे, मीटर या सेंटीमीटर, या कौन से एकक के द्वारा हम लोग नापेंगे। सो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।